तो क्या वजह है कि आपको पूरा मेवात दोषी मानता है जुनैद और नासिर की हत्या का? दोषी क्यों नहीं मानेगा? मैंने उनके करीब हजारों तस्कर, गो तस्कर जो पकड़कर पुलिस के सहयोग से अंदर दिलाए हैं, गो तस्करी रोकी है। और मतलब इतना ज्यादा, जहां से ये गुरुग्राम में कितनी वीडियो आती हैं, जो हथियार लगाकर ये गायों को उठा ले जाते हैं, गायों को गाड़ियों के आगे फेंक जाते हैं, किसी के घर में बढ़कर भैंसे और गायों को खोल ले जाते। तो उनका मैंने नेटवर्क बिल्कुल गायों की तरफ से मैंने ध्वस्त कर दिया। और पुलिस ने अभी इतना बड़ा साइबर क्राइम का, जो पूरे देश ने देखा, इतनी बड़ी रेड जो हमारी हरियाणा पुलिस ने मारी है, हरियाणा सरकार के द्वारा या हरियाणा पुलिस के द्वारा जितनी बड़ी रेड मारी गई है, उसमें इन दोषियों को पकड़ा गया, कमर तोड़ दी गई, साइबर हब की बिल्कुल तोड़ दी गई। क्यों साइबर हब को क्यों निशाना बनाया गया थाने को? क्योंकि उनको जलन थी, जैसी मोनू मानेसर से जलन है वैसी उस थाने से थी, क्योंकि उनका नेटवर्क वैसे ही ध्वस्त कराया, जैसे मैंने गायों के लिए किया है वैसे ही उनको नेटवर्क वहां पे उन्होंने ध्वस्त किया पुलिस ने। मनु, इतने दिनों से आप पुलिस के पास गए नहीं है, किसी ने आपको फिजिकली देखा नहीं है, जब से जुनैद और नासिर की हत्या में आपका नाम आया है, तो ऐसे में अभी भी लोग ये मानते हैं मेवात के कि नासिर और जुनैद की हत्या मोनू मानेसर ने ही की है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि सिर्फ मोनू मानेसर के नाम पर ही जोर दिया जा रहा है और उसी नाम को लेकर मेवात में इतने बड़े दंगे हो गए कि आज पिछले 2 दिनों से मेवात में कर्फ्यू लगा हुआ है। आज शाम को ही मेवात में यह ऐलान कर दिया गया है कि अगले 5 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। तो सिर्फ मोनू मानेसर ही क्यों, जब मेवात के लोग अगर इतना विश्वास से कह रहे हैं तो उन्होंने किसी ने तो देखा ही होगा, इसीलिए तो मोनू का नाम लिया जा रहा होगा। किसी ने नहीं देखा, एक नाम देखा है उन्होंने, सिर्फ मोनू मानेसर। सोशल मीडिया पे, मीडिया पे और नेशनल न्यूज में एक नाम देख लिया उन्होंने, मोनू मानेसर। उन्हीं के लिए वही हो गया, वही दोषी हो गया, वही आतंकवादी हो गया, वही मोस्ट वांटेड हो गया, सिर्फ मोनू मानेसर। उनको ये नहीं पता गाय काट रहे हो, गाय काटनी बंद कर दो। हमारी टीम रात को जग जग कर मतलब पहरा दे देकर गायों को बचाती है। वो गलत कोई किया है किसी ने? अपने सनातन धर्म और अपने धर्म के लिए जो हमारी आराध्य गौ माता है उनको बचाना गुनाह कोई है? और जो गुनाह वो लोग मान रहे तो वैसा गुनाह हम बार बार करेंगे, अपने सनातन धर्म और अपनी गौ माता को बचाना। लेकिन मैं एक विनम्र पुलिस प्रशासन और दोनों सरकारों से करना चाहता हूं कि जो सही है वो सही करे, गलत ना करे। जो भी अब मतलब लग रहे हैं, मैंने कई न्यूज में देखा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई सी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, वो मतलब अपने धर्म के लिए तो करे, अपने धर्म के लिए सही करे। गलत नहीं कह रहा मैं, गलत हूं तो मैं मत करो गलत, लेकिन सही तो करो। सनातन धर्म में जन्म लिया है तो ये ऐसे कोई है कि मोनू मानेसर ने करा, कई कई पार्टियां हैं, कई वो है, मैं किसी व्यक्ति, क्योंकि मैं पार्टी के विशेष से कोई जानकारी नहीं, मैं संगठन से हूँ और संगठन मेरा सौरभ प्रिय है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से मैं ताल्लुक रखता हूँ, ना कोई मतलब ऐसे लोगों से नहीं रखता जो अपने धर्म के खिलाफ जाए। अच्छा मनु, आप भले ही कहीं भी हो, किसी को नहीं पता आप कहां पर हैं, लेकिन आपके मेवात में कुछ मुखबिर भी होंगे, आपके कुछ जानकार भी होंगे, आपने उन पर उनसे हो सकता है फोन पर बात भी की हो, तो क्या लग रहा है आपको कि मेवात की जो यह हिंसा है ये सुनियोजित तरीके से हुई है, क्या किसी की भी प्री प्लान की हुई है? मोनू का दिमाग क्या कह रहा है? प्री प्लान ही हुई है जी, कभी भी ऐसी घटना एक तरह से नहीं होती। चलो मोनू मानेसर वहां जा रहा है तो 100 बंदे आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, एक तरह से 2-2 हजार की भीड़ एकदम आ रही है। पुलिस की FIR में लिखा गया है हथियार लेके आ रहे हैं, बम लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं, कट्टा पट्टा जो भी अवैध हथियार सब लेके आ रहे हैं, पुलिस पे सीधा फायर कर रहे हैं। बताओ, हमारे जो पुलिस से ही नहीं डर रहे वो आदमी क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अच्छा, शोभा यात्रा के बाद जो ये हंगामा हुआ, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उसके बाद इतनी हिंसा हुई मेवात में, ये कहा जा रहा है कुछ फोटोज आपके जिसमें गले में आपने माला डाली हुई है, किसी गाड़ी में आप सफर कर रहे हो, शायद सनरूफ से बाहर निकलकर वो फोटो ली गई है, तो मेवात के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो फोटो डालकर कहा गया कि मोनू मानेसर मेवात आ गया, क्या आप गए? मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं मेरी वो वीडियो यहाँ की नहीं है, वो कार्यक्रम पढ़ेणी के युवाओं के द्वारा किया गया था और वो तावड़ू की वीडियो है वो, और वो 2022 की वीडियो है, वो अब की वीडियो नहीं है। बस एक तरह से जो मेवात के कुछ छोटे फेसबुक के छोटे यूट्यूबर पत्रकार बन रहे हैं जिनको नहीं पूछता, उनको वहां पे वो सटार बन रहे हैं मेवातियों के, बर्दाश्त किया। मैं तो सरकार प्रशासन ने ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि इनको बैन किया जाना चाहिए। मोनू गलत, मोनू को भी बैन कर दिए, कोई मैं गलत चीज करता था।
मैंने गाय बचाई, सिर्फ हमने, मैंने तो कदम या किसी धर्म के मजहब के खिलाफ ही नहीं लगा, आज तक नहीं लिखा। कोई भी मेरी पोस्ट उठा के देखे, कोई भी एक भी पोस्ट पीछे तक की हो तो मैं जिम्मेवार हूं, मैंने किसी के खिलाफ लिखा हो तो। हाँ ये सत्य है कि मैं अपनी गौमाता को बचाता हूँ, अपने धर्म को बचाता हूँ और बचाता रहूंगा, कोई इसमें आपत्ति नहीं। तो मोनू क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप पर अब अटैक किया जा रहा है, हालांकि आपने जैसा कहा आप फिजिकली रूप से शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए मेवात में नहीं गए, लेकिन उसके बाद अब आपको इस पूरी हिंसा का दोषी बताया जा रहा है मेवात के जरिए, जैसे बिना इन्वेस्टिगेशन के मेवात के लोग आप पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं, उसी तरह अब मेवात में जो हिंसा हुई है उसका मास्टरमाइंड और उसकी असली वजह भी मोनू मानेसर को बताया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर, मीडिया में बयान देकर वहां के नेता, वहां के लोग जिस तरह से मोनू मानेसर को विलन साबित करने पर तुले हुए हैं, क्या पहले भी आप पर, आप इतने सालों से गोरक्षा करते आए हैं, गोरक्षक दल में रहे हैं, बजरंग दल में रहे हैं, तो क्या पहले भी आपके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक हुआ है गौ तस्करों के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा जिनका आपने धंधा चौपट कर दिया, इस तरह का गैर कानूनी धंधा? क्यों नहीं हुआ, गुरुग्राम में 2019 में मेरे सीने में गोली मार दी गई थी, मैं मैदान था, हॉस्पिटल में एडमिट था, और एक मामन खान जो विधायक है उसकी मतलब भाषा शोभा ही नहीं देती, उनको ये कहना जरूरी नहीं है किसी मतलब जांच के बगैर। उनका एक नाम आया था गो तस्करी कराता है, वो इंडिया टीवी पे चला था, जब तो वो कह रहा था कि जांच करनी चाहिए, ऐसे ही नाम नहीं लेना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जांच करनी चाहिए। वो मामन खान प्याज सी फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो जुबान पे आया वही भै लग रहा है उसको, मूर्ख को ये नहीं पता। मैं तो मूर्ख ही कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा कि एक लड़ाई मतलब पूरा उसने भड़काया। उससे एक दिन पहले उसकी पोस्ट आई मामन खान की, उसमें लिख रहा है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, जो होगा हम देखेंगे जाएंगे, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे लड़ाई किसकी, गाय की लड़ाई है, तुम वहां पे गो हत्या करनी बंद कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं अपने घर पे बैठूंगा, मुझे अपने बच्चे प्यारे नहीं है, अपने माँ बाप प्यारे नहीं है, अपने परिवार प्यारा नहीं है, या अपने यार दोस्त प्यारे नहीं है, मैं भी अपने यार दोस्तों में बैठूंगा, अपने परिवार में बैठूंगा, मैं कोई जरूरी है मेरे को फिर वहां पे जाना। गाय काटना बंद कर दे, हम गोरक्षा छोड़ देंगे, कोई आपत्ति नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।